सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स कल एक अपडेट आई है सबाक की तरफ से। तो हमारे एरियाज में इंटरनेट इश्यूज चल रहे हैं, नेटवर्किंग इश्यूज कुछ खराब चल रहे हैं, जिस वजह से कंटिन्यूस आप लोगों के लिए अपडेट्स मैं दे नहीं पा रहा हूँ, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स कल सबाक की तरफ से उनके वेबसाइट पे इवेलुएशन मार्क्स जो है आप लोग की स्कूल के, तो उसके लिए लिंक दे दी गई है। तो स्कूल्स को क्या करना है, उसी लिंक में जाना है, जाके जो स्टूडेंट्स लोग के जी इंटरनल असेसमेंट जैसे फॉर्मूलास में कहे गए हैं, वही इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करना है। तो उस पोर्टल में क्या क्या है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आपको पहले सभा के वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद लेफ्ट साइड जो टैब बटन है उसमें जाके आपको मिल जाएंगे पोर्टल फॉर स्कूल इवेल्यूशन रिकॉर्ड्स, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। लेकिन ये याद रखना, ये जो पोर्टल है ये मोबाइल से ऑन नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कनेक्टिविटी चाहिए होगा। नेक्स्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएंगे। तो राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल जो होंगे, स्कूल के जो एक कोड्स दिए जाते हैं, जैसे 9 के रजिस्ट्रेशन टाइम में भी एक कोड दिए जाते हैं और पासवर्ड दिए जाते हैं। तो स्कूल को अपना कोड यहाँ पे लिखना है और पासवर्ड लिख के उसके बाद कैप्चा एंट्री करके लॉग इन करना है। तो स्कूल जब लॉग इन कर लेंगे उसके बाद जो फॉर्म होंगे, उस फॉर्म में जो कमिटी गठन की गई थी उसके तरफ से कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उनको देखना है और फिर उनको एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चे लोगों के मार्क्स होंगे उसी मार्क्स को जो टेबल्स होंगे उस टेबल्स में पुट करना है। तो उससे पहले स्कूल को क्या करना होगा, अपने बच्चे लोगों के जो मार्क्स से इंटरनल असेसमेंट उसके एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसी लिस्ट वाइज इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में और मार्क्स उनको पुट करना होगा। तो इसके लिए स्कूल्स को जो टाइम दिए गए हैं वो है 4 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। उसी के बीच जो स्कूल्स होंगे उनको अपने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो उसमें सबमिट करने होंगे, और उसमें कुछ SOPs भी दिए हुए हैं, और चाहे तो स्कूल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फॉलो करके जो प्रोसीजर है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सेवा के कमेटी है, स्क्रूटिनी कमेटी, तो उनको भी ये सबमिट करना होगा स्कूल को जो रिपोर्ट होंगे, फाइनल रिपोर्ट, और उसके लिए स्कूल को 15 जुलाई तक टाइम दी गई है। तो हर एक स्कूल की तरफ से ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही आप लोग के फाइनल मार्कशीट बन जाएंगे, जो कि 31 जुलाई के अंदर आप लोग के रिजल्ट भी आउट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।